हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष डॉक्टर मुखर्जी नगर से यूट्यूब केवर एग्जाम चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए इस वीडियो में मैथ्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो SSC का हो, बैंक का हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, वो वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और इस टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको देखकर स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी कैलकुलेशंस यहाँ पर आ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ऐसे मेथड देने वाला हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ दो कंसेप्ट बताऊंगा और वो तो सब दो कंसेप्ट कितना भी टिपिकल क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का हो इस टॉपिक से, वो आपका वहाँ से होगा ही होगा और पलक झपकते ही होगा, मतलब बहुत जल्दी होगा। जब आप उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले इसके बारे में समझ लेते हैं होता है क्या है ना। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा आपको, जो बिगिनर है, ताकि उनको भी पूरा फायदा मिले और अच्छे से वो समझ पाए। देखो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्याज। ब्याज मतलब मैंने आपसे कोई धन उधार लिया, कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, दे देंगे, लेकिन ब्याज लेंगे, ठीक है। ब्याज से मतलब क्या है कि अगर मैंने आपसे उधार लिए 100 रुपए, ठीक है, और आपने कहा कि ये तो मैं 10% ब्याज पर दूंगा, इंटरेस्ट पर दूंगा, ठीक है। तो मुझे 100 रुपए के साथ जब मैं वापस करूंगा एक साल में, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसका? इसका 10%, यानी कि 10 रुपए, यही क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब दोस्तों, ब्याज पर भी ब्याज। चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। मैंने आपको एक साल बाद कितना धन देना है वापस? 110 रुपए। लेकिन अगर ये चक्रवृद्धि ब्याज है और एक साल और के लिए रखना चाहता हूं, तो इन 100 रुपए पर, नेक्स्ट ईयर इन 100 रुपए पे तो 10 रुपए दूंगा ही दूंगा। जो ये ब्याज बना 10 रुपए का, इस पर भी 10%, यानी कि 1 रुपया और देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अगले साल जो ब्याज दिया जाएगा वो 11 रुपए का दिया जाएगा। ये 10 रुपए तो पहले साल का ब्याज हुआ, और ये 11 रुपए अगले साल का, दूसरे साल का, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बराबर लगता है, लेकिन इसका नाम है चक्रवृद्धि, मतलब यहाँ पर चक्र घूमेगा, ठीक है, और वृद्धि मतलब बढ़ेगा। तो जो ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो अगले साल 1 रुपया और एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, तो टोटल कितना हुआ? 121 रुपए। तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है हमारा अमाउंट, या जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन, ठीक है। क्या होता है मिश्र धन? मिश्र धन होता है मूलधन और प्लस ब्याज। मूलधन क्या होगा? ये 100 रुपए जो उधार लिए गए, ये क्या हो गया? मूलधन, ठीक है। या आप किसी बैंक में कोई पैसे जमा करते हो, तो वो क्या किया, जमा की गई राशि होती है मूलधन। उस पर जो ब्याज मिलके जुड़कर दोनों वापस आपको मिलेंगे कुछ साल बाद, वो क्या होगा? मिश्र धन, जो आपको अमाउंट वापस मिलेगा। तो समझ में आ रहा होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर और क्या चीज है इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूं आपको, लेकिन इसकी हमें कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर बात की जाए अमाउंट की, मिश्र धन, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है दोस्तों, पी पी फॉर प्रिंसिपल, 1 + R/100 एंड पावर टी, ठीक है। यहां पर पी होता है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, आर होता है यहां पर ये रेट, यानी कि दर, और टी होता है टाइम, यानी कि समय, कितने समय के लिए दिया गया, ठीक है। ये अमाउंट का होता है। और जब हम बात करते हैं सीआई की, तो सीआई क्या होता है? ब्याज, और ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो जब मैं इसमें से ये माइनस कर दूंगा, अमाउंट कितना है? पी 1 + R/100 पावर टी और माइनस पी, ये हुआ अमाउंट, यहां से ये हुआ प्रिंसिपल। यहां से मैं पी कॉमन ले लेता हूं, तो ये बचा 1 + R/100 पावर टी एंड -1, तो ये हमारा सीआई हो जाता है, ठीक है। तो देखने में ही काफी डरावना सा लग रहा है, अगर हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन काफी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखने के लिए मैंने बता दिया है, ये इसकी हमें कहीं भी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है, हम चीजों को डायरेक्ट करेंगे, ठीक है।
हम बिल्कुल डायरेक्ट लेके चलेंगे। अब दोस्तों देखो, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इतने साल के लिए दिया, उतने साल के लिए दिया, अलग अलग टाइप आएंगे। हम पूरा एक एक में बेसिक से लेकर आपको बिल्कुल अपर लेवल तक लेकर चलूंगा, बिल्कुल हायर लेवल तक। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीढ़ी बाई सीढ़ी हम स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, एक आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पर मैं। अगर समय हमारे पास कितना आता है, 2 साल का, ठीक है? अगर 2 साल का हमारे पास समय आता है एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो रेट अगर दिया जाएगा तो बेसिक, मैं एक आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है? पहले तो हम बनाना सीखेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे उसका, कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है? तो मैं जरा ये हटा करके दोबारा लिख रहा हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ आपके सामने। कब, जब समय कितना है हमारे पास, टाइम दिया गया है क्वेश्चन में, अगर टाइम दिया गया है 2 साल का, ठीक है? यहां पर मैं लिख रहा हूं रेट, यहां पर मैं लिख रहा हूं सीआई, एसआई। 2 साल का क्या हो गया, ये डिफरेंस हो जाएगा, मतलब सीआई माइनस एसआई, और यहां पर लिख देते हैं हम अमाउंट। एक टेबल बना रहा हूं, इसको ध्यान से समझेंगे और इससे कैसे कैसे इजीली हमारे सारे क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे। अगर रेट है 2%, अगर रेट कितना है 2%, मतलब 2% पर कोई ब्याज मिल रहा है, तो सीआई कितना हो जाएगा, परसेंट में बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है? यहां पर हम प्रिंसिपल जो मान के चल रहे हैं, जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो हम उसको 100% मान के चलेंगे। अब एक चीज सिंपल सी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि 100 रुपये उधार लिए, कितने पर, 10% ब्याज पर, तो ये कितने हो गए, 110 हो गए 1 साल में, और अगले साल में फिर से 10% जब इस पर मिला तो ये हो गए 121। तो देखा जाए तो कितना ब्याज मिल रहा है हमको, 21%। 100 रुपये पर 21 रुपये का ब्याज मिला तो ये हो गया 21%, ठीक है? अगर मुझे सिर्फ ब्याज निकालना है कितने परसेंट, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है यहीं से डायरेक्ट इसको आ जाता है कि एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ से अगर एक्स, यहाँ पर जो एक्स और वाई है ये दोनों साल की क्या है, ब्याज की दर, अगर ये दोनों साल बराबर है जैसे कि 10%, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, ठीक है? ये 20 और 1 21, तो कितना आया 21%। मतलब इस वाले फॉर्मूले से अगर मुझे परसेंटेज दे रखी है तो मैं डायरेक्ट 2 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा ये निकाल सकता हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2% है, तो मैं रख सकता हूँ 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 बटे 100, तो 2 और 2 4 और ये 0.4, यानी कि 4.04% ये कर सकता हूँ। अब आपको इसको एनालिसिस करना है इसका, ठीक है? इसको भी रटना नहीं है, ध्यान से समझो हमने किया क्या है। हर साल क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर ही होता है, तो ये 2 साल का तो ये क्या हो गया, साधारण ब्याज 2 प्लस 2, और ब्याज पर ब्याज मिलेगा हमें ये, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर तो कर रहे हैं, जो रेट है इसको हम स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब हम किसी चीज को 100 से डिवाइड करते हैं तो दशमलव, ठीक है, दशमलव क्या करते हैं हम, 2 डिजिट छोड़ करके लगा देते हैं राइट हैंड से। तो जब अगर मुझे डायरेक्ट ये चीज करनी है, ये आपको समझाने के लिए है बस, इसमें करना कुछ नहीं है, बस इसको एक बार समझ लो। अब डायरेक्ट कैसे टेबल बनेगी वो देखना है। अगर ये 2% है और आपको सीआई निकालना है परसेंट में ही, ठीक है, परसेंट में, तो आप क्या करोगे, 2 दुनी 4 और एक बार जो स्क्वायर, 2 दुनी 4, स्क्वायर को आप जो लिखोगे वो 2 दशमलव, 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगाओगे, क्योंकि हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है? इतने परसेंट सीआई आया। एसआई कितना आएगा भाई, हर साल बराबर, 2% पहले साल, 2% दूसरे साल, तो 2 और 2 4%, डिफरेंस कितना आया 0.04%। और अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, है ना? चक्रवृद्धि, यहां पर जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात चल रही है, तो ये 100 में जुड़ेगा, तो 100 में जुड़कर आ जाएगा 104.04%। ध्यान से समझना दोस्तों, जो ये सीआई आया है क्या करना है आपको, देखो यहाँ पर 2 प्लस 2 प्लस 2 गुणा 2 बटे 100, तो हमने इनको जोड़ा, 4 आया और 2 दुनी 4 आया, बस इस चीज को डायरेक्ट करना है। जैसे आगे समझते हैं, अब आप टेबल बना सकते हो।
स्टेबल का यूज़ क्या है, अभी आपको समझ में आएगा कितनी जल्दी आंसर आ रहे होंगे, बस ध्यान से इसको समझते रहो, पेशेंस रख के अपना पेन कॉपी उठा लीजिए, साथ साथ बनाते रहिए। 3%, 3% का जब मैं सीआई देखूंगा तो 2 साल का कितना होगा, जो एसआई आएगा 6, और 3 का आप करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर होता है 9। अब 9 को 2 डिजिट में लिखना है आपको, जब आप किसी चीज को 2 डिजिट में लिखोगे तो 0 9 लिखोगे ना, क्योंकि हमें क्या लगाना है, दशमलव लगाना है 2 से पहले। एसआई कितना होगा 6%, अंतर कितना आ गया 0.09, और ये कितना जाएगा 106.09%। इसके बाद अगर 4% ब्याज की दर दे रखी है तो 4 दुनी 8, 4 चौक 16, इतने परसेंट हो जाएगा सीआई। एक बार दोगुना करो, एक बार स्क्वायर करो, और 2 के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। इधर देखो जरा, अब कितना आएगा ये 8%, ये कितना आएगा 0.16%, और ये कितना आएगा 108.16%। इसके बाद रेट लेते हैं हम 5%, तब कितना आएगा ये 5 दुनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। 2 से पहले दशमलव लगाया इधर, ये कितना आएगा 10%, ये आएगा 0.25%, और ये आ जाएगा 110.25%। यहाँ पे मैं लेता हूँ 6%, तो 6 से कितना जाएगा ये 6 दुनी 12 और 6 चंग 36, यहाँ पर ये कितना आएगा 6 दुनी 12, यहाँ पर ये अंतर कितना आया देखो, यहाँ पर 12.36, यहाँ 12, तो अंतर आया 0.36, और इसको मैं लिख सकता हूँ 112.36। 100 में हमें ब्याज जोड़ देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 7%, तो 7 का 7 दुनी 14, 7 सत्ते 49, ऐसे यहाँ पर कितना आएगा ये 14, यहाँ पर 49, तो 114.49%, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आगे की टेबल आप बना सकते हो अच्छे से। अब मैं एक ले रहा हूँ यहाँ पर 11%, ठीक है, 11% को एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा 11 दुनी 22, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब जब 3 डिजिट वाला कोई नंबर आएगा, 3 डिजिट वाला कोई नंबर आएगा, तो 1 डिजिट हम इधर कैरी लेंगे, क्योंकि दशमलव हमें 2 से के ही पहले लगाना है, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे 1.21, और इसको ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23.21%, ठीक है। और ये तो वही रहेगा 22, और यहाँ पर 1.21%, और ये आएगा 123.21%। ये चीज समझ आ रही है, इसको मैं एक बार और समझा देता हूँ कि ये जो 11% है, 11% को अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ 11 प्लस 11 प्लस 11 गुणा 11 बटे 100, तो 11 और 11 तो 22 हुआ, लेकिन जब मैं इसको 11 11 को लिखूंगा तो ये आएगा 121 बटे 100, यानी कि 22 प्लस 1.21, ये चीज आएगी, क्योंकि हमें दशमलव, हम 100 से किसी चीज को भाग करते हैं तो पॉइंट जो लगता है वो 2 डिजिट है ना, राइट हैंड से 2 डिजिट पहले लग जाता है, इसलिए हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा ये जो टेबल मैंने बनाई है। अब यहाँ पर हम सब देखते हैं एक चीज कि ये टेबल का हमें फायदा क्या है, इसको एनालाइजिस करते हैं इसका थोड़ा सा। आइए जरा देखो दोस्तों, जब मैंने रेट लिया 2% तो सीआई आया 4.04%, मतलब अगर आपको कोई अमाउंट हमें दे, हमें कोई प्रिंसिपल दे रखा है कि भाई इतने रुपए थे, ठीक है, 100 रुपए थे प्रिंसिपल, और 2% ब्याज की दर थी, तो 2 साल में जो ब्याज मिलेगा उस पर वो इतना परसेंट मिलेगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एसआई कितना होगा 4, तो अंतर कितना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.04। अब यहां पर आप एक चीज एनालिसिस कर रहे हो, एक चीज देख रहे हो कि जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि इतने रेट पर 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर इतना है, तो अमाउंट प्रिंसिपल बताओ, तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो जब 2% है तो डिफरेंस कितना आ रहा है स्क्वायर, उसका हमेशा स्क्वायर आएगा, जितनी भी डिजिट है हमेशा जो डिफरेंस आएगा 2 साल के लिए वो उनका स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 2 डिजिट से पहले हमने दशमलव लगा देना है, ठीक है, पॉइंट लगाना है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, वही आ रहा है, ठीक है। अगर हमसे कह दिया गया कि रेट है 12%, तो डिफरेंस कितना आएगा, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, और 2 से पहले दशमलव, तो 1.44% क्या होना चाहिए, अंतर होगा, ठीक है। तो समझ में आ रही होगी ये चीज। अब आपसे कह दिया गया कि भाई कोई धन, ठीक है,
कुछ ऐसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको दे दिया कि कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल में इतना हो जाता है, मतलब अमाउंट हो जाता है मिश्र धन। तो हम ये कह सकते हैं कि 5% दर पर जो अमाउंट हो जाएगा वो 110.25% हो जाएगा, यानी कि जो अमाउंट हमें एक्चुअल में दे रखा है वो इतने परसेंट की वैल्यू होगी। और प्रिंसिपल कितना मानते हैं हम, 100%, तो 100% की कितनी। लैंग्वेज दे सकता है कि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर इतना है, जितना भी कहेगा, भी कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा, तो अमाउंट बताओ या प्रिंसिपल बताओ, कुछ भी पूछ ले वो। तो आप देख रहे हो कि 4% वार्षिक ब्याज की दर पर जो अंतर आ रहा है वो कितने परसेंट आ रहा है, 0.16% आ रहा है। तो आप सीधे सीधे 0.16% की वैल्यू रखोगे और जिसकी पूछी है उसकी निकाल दोगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी चीजें हैं दोस्तों, हमारे पास 5 चीजें हैं। इन 5 में से वो किसी भी, मतलब ये रेट तो देगा, ठीक है, ये रेट आपको क्वेश्चन में मिलेगा। अब इन 4 में से कोई भी आपको वो एक चीज पूछ लेगा और कोई भी एक चीज बताएगा, है ना, गिवन होगी कि इतने परसेंट पर ये इतना तो ये कितना, या ये इतना तो ये कितना। बस आपको वैल्यू सही रखनी आनी चाहिए। अगर वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज तो आप ये वाली वैल्यू रखोगे, अगर वो कह रहा है अंतर डिफरेंस तब आप ये वाली वैल्यू से कंपेयर कराओगे, और अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमाउंट मिश्र धन तब आप इस वाली वैल्यू से कंपेयर कराओगे। समझ में आ रही होगी ये चीज? तो आप सिंपल, अब रटना कुछ भी नहीं है, ये टेबल आप अपने आप बना सकते हो, सब कुछ समझा हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैं हटा रहा हूं इसको, आपको नोट करना है, आराम से पॉज करके वीडियो को आप इसको नोट कर लेना। दोस्तों चीजों को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, मैं आपको ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा, ये अभी 2 साल के लिए कह रहा हूँ और ये किसके पूर्णांक के लिए है, ठीक है। जो हमारे जब हमारी परसेंटेज दी जाएगी, जो रेट दिया जाएगा होल नंबर्स में, जैसे बोल दिया गया कि 12%, ठीक है, जब फ्रैक्शन में परसेंटेज दी जाएगी तब उसके लिए मैं अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। तो 2 ही कॉन्सेप्ट है, उनसे सारे क्वेश्चन होंगे, आप देखना। अगर बोल दिया गया 12%, मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ रेट पे डायरेक्ट, कि 12% है, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर 12% है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा डायरेक्ट, 144, यानी कि 1.44। या वो बोला कि बोले कि भाई 12% है तो सीआई इतना हो जाता है, तो सीआई क्या हो जाएगा, 12 दुनी 24 और 12 का स्क्वायर 144। तो आपको 1 इधर लिखना है, 44 इधर लिखना है और ऐड कर दो, तो 25.44%। समझ में आ रहा है? रेट बोल रहा है वो 15%, तो आप क्या करोगे, हमारा सीआई निकालना है आपको, तो सीआई क्या, 15 दुनी 30 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 2 इधर और 2.5 इधर, तो ये हो गया 32.25%, यानी कि ये हो जाएगा सीआई। तो ये कैलकुलेशन आपको बहुत इजीली निकालनी आई गई होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम कि इस चीज पर कैसे कैसे क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं इस टेबल पर कि कैसे कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, डेटा लिख रहा हूँ मैं बस अभी, ठीक है, लैंग्वेज पूरी नहीं लिख रहा समय बचाने के लिए, आगे मैं आपको पूरे पूरे क्वेश्चन लिख के दूंगा जो एग्जाम में आए भी हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है सामने आपके, डेटा लिख रहा हूँ मैं कि रेट है 5% और टाइम है 2 साल का, और जो 2 साल में सीआई हो जाता है वो हो जाता है 51.25 रुपीज। तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना था, मूलधन कितना था, ठीक है, इसको देखते हैं। अब मैंने आपसे बताया कि जब भी हमें ये रेट दिया जाएगा उसके साथ एक चीज और दी जाएगी, तो हमें कंपेयर उसको करवाना है। अब देखो क्या दिया गया है, हमें सीआई दिया गया है। अगर रेट 5% है तो परसेंटेज में सीआई कितना हो जाएगा, 5 दुनी 10 और 5 पंजे 25, इतने परसेंट। अब इतने परसेंट की वैल्यू हमें सीधे सीधे दे दी 51.25। पूछा गया है क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना मानते हैं हमेशा, 100%, तो 100% की कितनी है, दशमलव से दशमलव कैंसिल, और ये कितनी बार, 5 बार पूरा पूरा कट गया, 5 पंजे 25, 5 दो 12, 10 पंजे 50 और 51, और 5 की 100 से गुणा करेंगे तो 500 आंसर। यानी कि जो प्रिंसिपल था वो कितने रुपए था, 500 रुपए। तो देखा आपने, ना तो कोई फॉर्मूला लगाना है ना ही कोई ज्यादा हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, सीधे सीधे 5 से हमने निकाला सीआई 10.25, तो यहां से जो हमें सीआई दिया है एक्चुअल में उसको कंपेयर करा दिया है बस, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि नीचे ऊपर कैसे लिखा, ये कुछ ऐसा ही है सिंपल, कि 10.25
25% की वैल्यू है 51.25 रुपये, तो एक की वैल्यू 51.25 बटे 10.25, तो 100 की वैल्यू 51.25 बटे 10.25 × 100। ठीक है, अब ये हम स्कूल में तो बचे नहीं, ये स्कूल की बातें हो गई कि इतना लिखना है इतना लिखना है, फिर यहाँ पे आके सॉल्व करना है। लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे हमें, आंसर अटेम्प्ट करने के नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हमें जल्दी से जल्दी चीज़ों को करना है, अब स्कूल वाली बातें छोड़ देनी है डायरेक्ट, क्योंकि आंसर लाना मकसद थोड़ी ना है, मकसद है बहुत कम समय में और सही आंसर लाना, है ना। तीन मकसद होते हैं, कम समय, सही आंसर। ठीक है, तो ये तीनों मकसद हमें पूरे करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आगे, किस टाइप से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जल्दी से। यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको नहीं लगाना, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा क्या होते हैं, फॉर्मूला हमेशा बेवफा होते हैं क्योंकि भूल जाते हैं, रटना पड़ता है। जो भी चीज़ हमें रटनी पड़ती है वो हमेशा बेकार ही होगी, है ना, उसको हमेशा आपको भूलने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, तो हमें रटना नहीं है बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रेट हमें दिया हुआ है 6%, समय वही है 2 साल का, और सीआई हो जाता है 37.08 रुपये, और हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल बताओ। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, रेट दिया गया है, सीआई दिया गया है, प्रिंसिपल पूछा है, टाइम है 2 साल, तो जल्दी से कैसे करोगे, 6 का CI कितना होगा, 6 × 12 6×6 36, और इसकी वैल्यू 37.08, तो 100 की वैल्यू कितनी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 12 × 36। देखो आइडिया लग जाता है कैलकुलेशन का यहाँ से कि 3 बार लगभग जा रहा है, तो 3 से काट के देखता हूँ, 3 × 6 18, 3 × 3 9 और 1 10, तो ये हो गया, 3 बार कट गया, तो कितना आंसर आया हमारा, ये 300 रुपये, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 300 रुपये था। तो देख रहे हो आप कितनी जल्दी आंसर आ रहा है, कोई भी हमें यहाँ पर कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं पड़ रही है और ना ही कोई फॉर्मूला याद रखना पड़ रहा है। ठीक है, आइए और देखते हैं क्वेश्चन, अब कैसे कैसे यहाँ से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आज बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, आपको धीरे धीरे ये लेवल हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि रेट है 8% और डिफरेंस CI और SI का जो डिफरेंस अंतर दिया है वो दिया है 512 रुपये, समय है 2 साल, तो हमें प्रिंसिपल मूलधन बताना है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये CI और SI का डिफरेंस हमें दिया गया है। अब देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, ये 8% रेट है, तो मैंने आपको बताया जो रेट होता है उसका स्क्वायर क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, जब ये एक होल नंबर होता है, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो यहां पर 8% है, तो 8 का स्क्वायर 64, तो 0.64 की वैल्यू हमें दे दी गई है 512, और प्रिंसिपल कितना मानते हैं हमेशा हम, 100, तो 100 की कितनी, ये मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया, यहां पर 100 बढ़ा दिया, ये कितनी बार जाएगा, यहां पर 8 बार चला गया, 8 × 32, 8 × 48, 51, तो ये हो गया हमारा 80,000, यानी कि जो प्रिंसिपल था वो कितना था, 80,000 रुपये था। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्क कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है, 2 साल के दिया जाता है, 3 साल के लिए अंतर दिया जाता है, अभी 2 साल की बात चल रही है इस वीडियो में, आगे 3 साल की बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्द से जल्दी आंसर निकालना है इसका, कोशिश करना आप फटाफट से निकाल दो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि रेट है 12%, ठीक है, समय वही, अभी हम 2 साल के लिए ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और डिफरेंस हमें दिया गया है CI और SI का 115.2 रुपये, तो हमें प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, कर दो फटाफट से, हो गया होगा अब तक, उम्मीद कर रहा हूं। 12% क्या है यहाँ पर, रेट, तो डिफरेंस दिया गया है ना, तो डिफरेंस होता है स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, और 200 पहले दशमलव, और इसकी वैल्यू हमें दे दी है 115.2, और निकालने किसकी हमने, प्रिंसिपल यानी कि 100 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ से मैंने पॉइंट से पॉइंट हटाया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर 1 कम है, तो यहाँ पर मैंने 10 और बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 144 और 115, इसको अगर मैं काटता हूँ तो ये 144 8 × 32, 8 बार पूरा पूरा कट रहा है, 8 × 32 8 × 32 3 × 35 8 × 3 11, तो ये कितना आ गया आंसर हमारा, 8,000 रुपये, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है,
8,000 रुपये था। तो दोस्तों समझ में आ रहा है? और देखते हैं, आइए जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, है ना, कन्फ्यूजन खत्म होना चाहिए कि कैसे कैसे इतनी जल्दी आंसर आ रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं और, रेट हमें दे रखा है 9% और डिफरेंस दिया है दोस्तों, यहाँ पर 40.50 रुपये का, टाइम वही 2 साल, प्रिंसिपल हमने बताना है, ठीक है? तो फटाफट से कर दो। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। पॉइंट लगा दो 2 से पहले। यहाँ पर 40.50 इसकी वैल्यू दे दी, तो 100 की वैल्यू कितनी? पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल, ये कितनी बार गया? 5 बार, और 0, तो आंसर आ गया हमारा 5,000। तो देख लो दोस्तों, 2 सेकंड में, 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपको, बस आपको ये जो मैंने आपको टेबल समझाई है उसको अच्छे से समझना है। आइए और देखते हैं क्वेश्चन आगे, और क्या क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, रेट दे दिया है 5%, टाइम वही 2 साल का, और इस बार हमें दिया है अमाउंट, इस बार हमें दिया है मिश्र धन। अमाउंट हो जाता है 11,025 रुपये, और हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, ठीक है? तो दोस्तों ध्यान करो जरा, क्या किया है हमने, कि 5% अगर यहाँ पर रेट है तो सीआई कितना हो जाता है? सीआई हो जाता है 10.25%, और मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, तो ये कितना हो गया? 110.25%, ठीक है? तो 100 रुपए का कितना था मूलधन, और 10.25% का क्या हो गया यहाँ पर? ब्याज, तो मिश्र धन हुआ इतने परसेंट, और ये 110.25% की वैल्यू हमें दे दी 11,025। क्या निकालना है? प्रिंसिपल, यानी कि 100 की वैल्यू। ऊपर नीचे देख रहे हो आप, एक जैसे ही मिल गया यहाँ पर, ये पॉइंट हटाया और ये 100 बढ़ाया, तो आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पर? 10,000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपये था, ठीक है? आइए आगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवानी है मुझे आपकी, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और पलक झपकते ही आपके आंसर्स आ रहे हों, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, रेट है 4%, टाइम 2 साल। अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है क्वेश्चन, क्या कहा गया है कि सी आई फॉर ओनली सेकेंड ईयर, ठीक है, केवल दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? कितना दिया गया है ये? ये दिया गया है 208 रुपये, ठीक है? तो हमें प्रिंसिपल बताना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है ना, वही चीज निकालो आप, इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। रेट 4%, समय 2 साल, और केवल दूसरे साल का ब्याज दिया है 208 रुपये, तो हमें मूलधन बताना है। अब जब रेट 4% है, तो आपने देखा कि पहले साल कितना होगा? 4% ही होता है, और दूसरे साल अगर मैं टोटल निकालूं इसका 2 साल का, तो 2 साल का हम निकालते हैं 4 दुनी 8, 4 चौक 16, ठीक है? ये केवल पहले साल का, और ये पहले और दूसरे दोनों का। तो जो पहले साल में 4 रुपये मिल रहे थे, दूसरे साल में 8.16 रुपये मिल रहे हैं, तो सिर्फ दूसरे साल में कितने मिले होंगे? 4.16 रुपये, ठीक है? समझ में आ रहा ना, पहले में 4 रुपये मिले, दूसरे में 8.16 रुपये मिले यहाँ पर, तो दूसरे सिर्फ दूसरे साल में कितने मिले? 4.16, ठीक है? यानी कि इतना परसेंट जो ब्याज था वो केवल दूसरे साल का था, तो दूसरे साल में कितने? 208। तो मैं ये कह सकता हूं कि 4.16% की वैल्यू यहां पर दे दी गई है 208 रुपए। क्या निकालना है? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल की वैल्यू होती है यही 100%। तो ये पॉइंट से मैंने पॉइंट काटा और यहां पर एक जीरो बढ़ाया, ये कितनी बार जा रहा है? सीधे सीधे 2 बार जा रहा है, और ये कितनी बार जा रहा है? 50 बार जा रहा है। तो कितना आंसर आ गया हमारा? 5,000 रुपये, ठीक है? तो दोस्तों आपको मैं समझा रहा हूँ पूरा, मतलब पूरा एक्सप्लेन करके, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, जो भी लग रहा है 10-12 सेकंड का। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप करोगे, आप 2 सेकंड में ये क्वेश्चन करोगे, ठीक है? कैसे करोगे? जैसे ही आपने 4% यहाँ पर देखा और दूसरे साल का, तो आपको पता है 4% तो पहले का है ही,
दूसरे का 8.16, तो यानी कि 4.16 बचा सिर्फ दूसरे का, और उसकी वैल्यू इतनी, तो 100 की वैल्यू कितनी। सिंपल, आप बहुत जल्दी इसको करोगे। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ताकि जल्दी से प्रैक्टिस हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप कोई भी गलती ना करो। गलती कम तभी होती है जब हम प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमने एक क्वेश्चन को दो बार कर लिया, या दो जैसे क्वेश्चन एक बार कर लिए हैं, तो हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी होगी, तब तक आप उस एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर नहीं झेल पाओगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, हमेशा बोलता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन दूंगा, उसके अलावा भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तभी अच्छे स्कोर हो पाएगा। एक क्वेश्चन है, रेट है 5% और सी आई फॉर ओनली सेकेंड ईयर। दूसरे साल के लिए जो ब्याज है वो है 525 रुपये, टाइम वही अभी 2 साल का ही चल रहा है, और प्रिंसिपल हमें बताना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, 5% अगर ब्याज है तो पहले का तो 5 ही% हो गया, और दोनों का होता है 10.25, ठीक है, इतना परसेंट होता है। तो यानी कि जो सिर्फ दूसरे का बचा वो बचा 5.25%, ठीक है। तो 5.25 की वैल्यू हमें दे दी गई है 525 रुपये, पूछा है 100 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट से कट गया और ये 2 जीरो यहाँ पर बढ़ गए, तो आंसर आ गया हमारा 10,000 रुपये। तो दोस्तों समझ में आ रहा है, देख रहे हो आप कि इस मेथड से हम जल्द से जल्दी कितनी जल्दी आंसर ला रहे हैं। इसमें भी और भी मैनिपुलेशन होंगी, चेंज चेंज होगा, कभी कभी 1.5 साल का, कभी 2 साल का, तो कभी फ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर ने बस ये करा दिया है और पता नहीं आगे कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं करूँगा, है ना, हैव पेशेंस, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन है, हमने ना एक पे एक ही चीज़ पे नहीं अटकना है, कोई भी क्वेश्चन हो, हमारा मकसद क्या है, फिर से बोलूँगा, जल्दी सही आंसर, ये तीन मकसद हैं। इनके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, जैसा मेथड है उसको वैसे ही हमने, सॉरी, जैसा क्वेश्चन है उसको वैसे ही मेथड से सॉल्व करेंगे। अलग अलग मेथड हमें ज़्यादा नहीं करने हैं, लेकिन हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के लिए दूसरा मेथड उसको जल्दी कर रहा है, तो हमें यूज़ करने में कोई उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जल्दी से आंसर लेके आना है, एक पे बंध के नहीं रहना। तो दोस्तों आगे मैं और भी आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे कि लगातार वीडियोस मैं डाल रहा हूँ, इंग्लिश और मैथ्स की पैरेलल आपको वीडियोस मिल रही हैं, मकसद यही है जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम सारे आने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, SSC ने नोटिफिकेशन डाल दिए हैं, CPO का एग्ज़ाम भी है 12 तारीख को, उससे पहले मैं आपकी इंग्लिश मैथ पूरा कंप्लीट करा के रहूँगा। तो दोस्तों बस लगातार बने रहना, आपको कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।